खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दिलीप पांडे पदयात्रा कर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। इस दौरान बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हुए सबसे वोट की अपील कर रहे हैं। प्रतिमा मिश्रा ने जायजा लिया उनके प्रचार का। दिलीप पांडे उत्तर पूर्वी दिल्ली से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं, पैदल यात्रा पर भी आप निकले और हम देख रहे हैं किस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है। ऐसी चर्चा है कि आपका मुकाबला दो हैवी वेट से, आप मानते हैं उनको हैवी वेट? नहीं, दो से तो नहीं है, है तो एक ही से, और उसमें भी कितना वेट है ये आने वाले समय में 12 तारीख को जनता तय कर देगी। कांग्रेस ने चूंकि अलायंस नहीं किया तो उसका नुकसान तो आपको होगा कहीं? नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को कोई 100 वोट भी अगर देता है ना, और उतने ज्यादा मिलने वाला नहीं है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की मदद ही कर रहा है। भाजपा कोराना इस समय आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ा लक्ष्य है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कांग्रेस से अलायंस की पेशकश की थी। अगर किसी को इतराज हो तो आम आदमी पार्टी को हो, लेकिन हमने पहल की और उन्होंने मना कर दिया। अब जहां जहां विपक्ष एकजुट हो रहा है भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस पता नहीं कौन सा चुनाव लड़ रही है कि वो विपक्ष के खिलाफ ही लड़ने लग रही है। तो चेहरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी वोट काटने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। तो ये तयशुदा है कि वोटों का बंटवारा नहीं होने वाला। 12 मई को लोग वोट करेंगे, किसी को पीएम बनाने के लिए नहीं, दिल्ली को राज बनाने के लिए, और किसी बड़े आदमी को नहीं वोट करेंगे, अपने आदमी को। आखिरी सवाल, नाम जीतेगा या काम जीतेगा, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर इस इलाके में काम जीतने वाला है। दिल्ली की सरकार का काम, अरविंद केजरीवाल जी का काम जनता के दिलों में घर बना चुका है। इस बार बड़े बड़े लोगों का पत्ता साफ है, ऐसे लोग अपने लोग इस इलाके के आम आदमी जो है वो इस इलाके की किस्मत लिखने का अधिकार अपने हाथों में जनता देगी उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिलीप पांडे लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की स्थिति इस सीट की रही है, मनोज तिवारी भले ही बड़ा नाम हो लेकिन उन्होंने इलाके के लिए कोई काम नहीं किया, ऐसे में जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नाम नहीं, यहाँ से काम जीतेगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली। वहीं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन अपने काम नाम की बदौलत तीसरी बार सांसद बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अजय माकन इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। माकन सुबह सुबह सूरज निकलने से लेकर देर रात तक प्रचार में जुटे रहते हैं। क्या अजय माकन को इस बार कामयाबी मिलेगी, इसकी पड़ताल के लिए हमने अजय माकन के साथ पूरा दिन गुजारा, समझने की कोशिश की कि माकन की जय कैसे होगी। कीर्ति नगर के झुग्गियों के इलाके में घंटे भर से ज्यादा वक्त से अजय माकन पदयात्रा निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका है ये झुग्गियों का इलाका है, जाहिर सी बात है गरीब तबका यहाँ रहता है, और अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें तो दलित समाज के लोग ज्यादातर इन इलाकों में रहते हैं। कभी ये इलाके कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद, दिल्ली की पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी के आने के बाद, कांग्रेस के इस वोट बैंक में सेंध लग गई और कांग्रेस पिछड़कर तीसरे नंबर पर चली गई। अब एक बार फिर कांग्रेस जबकि मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है, वो अपने पुराने गढ़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, पुराने वोट बैंक को एक बार फिर मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, और इसी कवायद में अजय माकन लगे हुए हैं, क्योंकि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भी एक बड़ा वोट बैंक है झुग्गियों का, एक बड़ा तबका है जो झुग्गियों में रहता है, जो गरीब है, और जिसे लुभाने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं।